नमस्कार, मैं वंश शर्मा। तो आपने अपनी किताबों में सोशल मीडिया पर एक बात जरूर पढ़ी होगी, जो है अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता की आज़ादी। तो यहाँ पर सबको अधिकार है, वो अपने नेता को चुन सकता है और किसी भी नेता को पसंद कर सकता है। छोटा नेता हो, बड़ा नेता हो, पद में किसी को भी पसंद कर सकता है, स्वतंत्रता है। तो आज बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान ने एक बयान दिया जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। दरअसल इंडिया टुडे के साथ एक इंटरव्यू चल रहा था सैफ अली खान का, उनकी एक नई मूवी आने वाली है। तो अपनी ही मूवी से रिलेटेड उनका इंटरव्यू था, जिस इंटरव्यू में सैफ अली खान से एक बात पूछी गई। सैफ अली खान से पूछा गया कि आपका सबसे पसंदीदा राजनेता कौन है, तो सैफ अली खान ने कहा कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जो किया है वह बहुत प्रभावशाली है। एक समय ऐसा भी था जब लोग उनकी कही और की गई चीज़ों का अनादर करते थे, और मुझे लगता है कि उन्होंने शानदार तरीके से दिलचस्प चीज़ें कर इसे बदल दिया है। तो राहुल गांधी को सैफ अली खान पसंद करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने काफ़ी चीज़ों को अपना मतलब अपने अंदर काफ़ी बदलाव लाया है। और ये बात तो देखिए मैंने भी कही है कि राहुल गांधी ने अपने अंदर बदलाव लाया है, जब से उन्होंने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा करी है तब से उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है, उनकी राजनीति में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है। तो इस चीज़ को सैफ अली खान ने कहा, पर लेकिन सैफ अली खान ने जब ये कहा तो इसका एक हवा काट दिया गया। कहा जा रहा है कि देखिए सैफ अली खान ने तो राहुल गांधी की तारीफ करी है, भाई सैफ अली खान राहुल गांधी के फैन है। देखिए जिस प्रकार सैफ अली खान ने बयान दिया ना कि उन्हें राहुल गांधी पसंद है, इस प्रकार सबको आज़ादी है, कोई किसी भी नेता को पसंद कर सकता है। अभी भी बॉलीवुड में अगर सेलिब्रिटीज़ की गिनती की जाए ना तो प्रधानमंत्री मोदी को पसंद करने में अनेकों हैं, अनेकों क्रिकेटर्स हैं जो कि प्रधानमंत्री मोदी को पसंद करते हैं। तो सैफ अली खान ने राहुल गांधी को पसंद करा, इसमें कोई इतनी दोहराई वाली बात नहीं है कि देखिए सैफ अली खान राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को नहीं पसंद कर रहे। राहुल कंवल के साथ जो इंटरव्यू था उसमें सैफ अली खान ने कहा कि उन्हें राहुल गांधी पसंद है, अब उनकी मर्जी, उन्हें कोई भी पसंद हो सकता है। और ऐसी ऐसी बातें बताई जा रही हैं कि देखिए अब ईडी उनके पीछे लग जाएगी, सैफ अली खान के पीछे, मतलब क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि राहुल गांधी पसंद है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी बनी बनाई बातचीत है। ट्रोलर्स को एक मौका मिलना चाहिए कि किस तरीके से हम ट्रोल करें, जहां उनको मौका मिलता है वो अपनी ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। इस बारे में अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से शेयर करें, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।